आज फाइनली हमें लास्ट कोच मिला है। चलो अंदर जाते हैं, अंदर से अपने ट्रेन को दिखाते हैं। जैसे ही हम लोगों ने इसको हटाया, और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो क्या ओवरटेक किया भाई, वो भी 130 की स्पीड में ओवरटेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत हो रहा है सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी के मैं इस रिजॉर्ट में हूँ, देख लो भाई, काफी कमाल का रिजॉर्ट है ये। अपना रूम है और सामने की तरफ देख लो, पूरा पूल है, अलग ही वाटर विला लग रहा है, मतलब मिनी वाटर विला। ओवरऑल कमाल का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे हमारा। फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन, क्योंकि हमारा सुबह 5:30 बजे का ट्रेन है। अभी टाइम देख लो कितना बज रहा है, 4 बज रहा है अराउंड सुबह का, और सुबह सुबह ही हम लोग अभी उठ गए हैं। तो एक काम करते हैं, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया अपना, निकलते हैं। अपना ड्राइवर ऑलरेडी आ गया, क्योंकि स्टेशन जो है ना यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। फिर भी सुबह ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही जा रहे हैं अभी हम लोग फटाफट। ये देख लो, ऐसे ही कुछ रूम था अपना, और ये बाहर के नजारे। चलो जी, अभी हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं, और ये देख लो सुबह सुबह कुछ ऐसा माहौल है, मस्त एकदम भजन सुनते हुए जा रहे हैं हम लोग। फिलहाल अभी हाफ एन आवर, भैया बता रहे हैं हाफ एन आवर लगेगा हमें पहुंचने में, हमें हाफ एन आवर भी नहीं लगा, हम सोच रहे थे आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे से पहले हम लोग पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन NGP। और अभी देख लो काफी लोग, कोई ट्रेन से आए हैं, बहुत सारा ट्रेन अभी सुबह सुबह आता है ना, सब निकलेंगे अभी, कोई दार्जिलिंग, कोई सिक्किम, तो कहीं कहीं, तो कहीं कहीं, बट हम लोग जा रहे हैं अभी अपने घर। चलो जी, अपने कैब ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है, ये रहा रेलवे स्टेशन। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी हम लोग बहुत पहले पहुंच गए हैं, देख लो अभी 4:30 भी नहीं बजा है, 1 घंटा है अभी हमारे पास। चलो कोई नहीं, जाते हैं साइड में कहीं खड़े हो जाते हैं, बैठने का भी तो जगह होगा ही कहीं ना कहीं। हाँ जी, तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, और मैं बता दूं हमारा जर्नी होने वाला है ट्रेन नंबर 12042 शताब्दी एक्सप्रेस में। अब आप बोलोगे मोहित भाई, इससे पहले तो आपने बहुत बार शताब्दी एक्सप्रेस जर्नी करा है, ये वापस से क्यों कर रहे हो? तो मैं बता दूं, हमारे इस हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी, या फिर न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा शताब्दी में लग चुका है विस्टाडोम का कोच। तो मुझे इस वाले रूट में एक विस्टाडोम का जर्नी करना था, तो इसी में मैंने अपना बुकिंग ले लिया था। फाइनली मैं टिकट वेटिंग था, लेकिन कल ही कन्फर्म हो गया। तो फिलहाल अभी देख लो आ गए हम लोग स्टेशन, और एक चीज मुझे स्टेशन में काफी अच्छा दिखा, ये जो देख रहे हो ना कोच AC वेटिंग लाउंज, ये ट्रेन का कोच है, इसको वेटिंग लाउंज इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा लगा देख के ये। फिलहाल अभी जाते हैं, अभी तक कोई अनाउंसमेंट है नहीं कहाँ अपना ट्रेन आएगा। जितने बार भी मैंने इस शताब्दी को NGP से बोर्ड किया है ना, ये वाले प्लेटफॉर्म से ही किया है। देख लो भाई, अपनी ट्रेन आ चुकी है अभी, और ये मैडम को भी पीना है चाय, तो स्पेशली चाय ब्रेक के लिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ऑल राइट, तो देख लो ये पीछे की तरफ रहा अपना कोच, विस्टाडोम कोच है ये। वैसे मैक्सिमम मैंने जो विस्टाडोम कोच देखा है ना, उसका हालत खस्ता ही रहता है। अभी देखना है कि ये वाला किस हाल में है। बाकी हम लोग अंदर बैठ गए हैं, लवली को अंदर बैठा दिया है मैंने। फिलहाल देख लो बाहर से अपना कोच कुछ ऐसा दिखता है, और ये वाला जो विंडो है ना हमारा ही है, लेकिन टूटा हुआ लग रहा है मेरे को तो। बाकी देखते हैं अभी। और एक चीज काफी अच्छा है कि हमारा जो ट्रेन का डायरेक्शन है ना, वो इस वाले साइड है। ये ग्लास भी पूरा गंदा हो रखा है यार, खैर कोई नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो व्यू मिल ही जाएगा हमें। तो ये सबसे लास्ट कोच रहेगा अपना। विस्टाडोम कोच का मतलब है जो सबसे लास्ट कोच होना चाहिए, तभी उसका मजा है, अदरवाइज कोई मजा नहीं है। आज फाइनली हमें लास्ट कोच मिला है, चलो अंदर जाते हैं, अंदर से अपने ट्रेन को दिखाते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने बाहर से कोच, अब एक काम करते हैं अंदर से आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही दिख गया हमें कि हमारा जो विंडो है ब्रेक हो चुका है, पता नहीं कैसे। अपने कोच के अंदर एंटर करते हैं हम लोग। भाई साहब ये पूरा पानी पानी क्यों हो रखा है? इस वाले साइड तो वॉशरूम डस्टबिन वगैरह है, बाकी हाँ सामने की तरफ वॉश बेसिन मिलता है, और क्या चाहिए। लेकिन हाँ एक और बात आप ध्यान में रखना, अगर आप विस्टाडोम कोच में अपना बुकिंग लेते हो तो बाकी सब कोच से कटे हुए रहोगे। देख लो जी यहाँ लगेज रख दिया हम लोगों ने। अगर आप विस्टाडोम कोच में ट्रेवल कर रहे हो ना, लगेज रखने का जगह अंदर नहीं है, जो है आपको बाहर की तरफ ही रखना पड़ेगा। सेफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये गिफ्ट तो हम लोग के साथ कल ही से घूम रहा है। ऑल राइट, तो देख लो ये सीट जो है इतना रिक्लाइन हो सकता है। ये जो सीट है ना पूरा आप रोटेट भी कर सकते हो इसको। हमारा जो ट्रेन का डायरेक्शन है इस वाले साइड, इसलिए हम लोगों ने रोटेट कर दिया इसको। वैसे देख लो ये सामने की तरफ लेग रेस्ट भी आपको मिलता है, टेढ़ा हो चुका है पता नहीं क्यों, बाकी ठीक है। चलो कोई नहीं, पैर रख सकते हैं अभी भी। ये वाटर बॉटल होल्डर,
मैगजीन होल्डर। सबसे बड़ा बात है देख लो, हमारा एक सीट ये वाला विंडो है और एक वो विंडो है, लेकिन वो विंडो तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि क्या दिखाएंगे क्या वहाँ पे, आप ये बताओ। बाकी सामने की तरफ स्क्रीन मिल जाता है आपको, जिसमें इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा रूट का, ट्रेन का स्पीड, नेक्स्ट स्टॉप। बाकी एक चीज काफी अच्छा है, पूरे कोच में ना रेड कारपेट बिछा हुआ है। ये देख लो कुछ ऐसा कर्टन है, ऊपर कर दो है, हल्का करो तब जाएगा ऊपर। तो ऐसा कुछ कर्टन है। अब अगर मैं बात करूँ अपने ट्रेन का टाइमिंग का, तो मैं बता दूँ अपने शताब्दी एक्सप्रेस का एनजीपी स्टेशन से जो डिपार्चर टाइम है ना, वो है सुबह के 5:30 बजे। हावड़ा हम लोग पहुंच जाएंगे लगभग 1:45 में, 2 बजे जाएगा हमें घर पहुंचते। और अगर मैं फेयर की बात करूँ तो मैं बता दूँ पर पर्सन हम लोगों ने पे किया है 2,400 रुपए करके, और मेरे को फ्लाइट मिल रहा था 2,200 रुपए का। इनफैक्ट जो मैं आया था ना एयर इंडिया एक्सप्रेस से, उसके लिए मैंने 2,200 रुपए पे किया था। ये मुझे स्पेशली ये विस्टाडोम का जर्नी दिखाना था, इसलिए मैंने इसमें बुकिंग किया। बाकी आपको आगे का जो भी रहेगा वो तो दिखाऊंगा। और विंडो का साइज इतना बड़ा है ना, आप विंडो में बैठो या आइल सीट में बैठो, व्यू तो आप ऐसे भी एंजॉय करोगे। वैसे टाइम देख लो, अभी बस 1 मिनट में अपना ट्रेन डिपार्ट करने वाला है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। टाइम तो हो गया, देखते कब निकलता है। चलो जी, सिग्नल हो चुका है। फाइनली देख लो एग्जैक्ट टाइम पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। जय माता दी। चलो फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। अब जाते हैं अपने सीट पे बैठते हैं। चलो जी निकल चुके हैं, बाय बाय हिल स्टेशन, मिलता है बहुत जल्द। ये ऑटोमेटिक डोर। हमारी ट्रेन अभी निकल चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से। तो मैं बता दूं हमारा क्या क्या स्टॉप होने वाला है। तो न्यू जलपाईगुड़ी से निकलते ही सबसे पहला जो इसका स्टॉप है ना, वो है किशनगंज, जो कि है बिहार में। मतलब सबसे पहला स्टॉप हमारा होगा आज का बिहार में। देख लो भाई, आज सुबह का चाय बिहार में पियेंगे हम लोग। किशनगंज से निकलते ही हमारी ट्रेन रुकेगी बरसोई जंक्शन अराउंड सुबह के 7:15 में। फिर लगभग 8:45 में आ जाएगा मालदा टाउन। लगभग 9:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे न्यू फरक्का जंक्शन। फिर लगभग 11:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी बोलपुर शांति निकेतन। फिर लगभग 12:30 बजे बर्धमान जंक्शन। 1:45 में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने घर हावड़ा जंक्शन। तो देखो ऑन टाइम रहता है या फिर डिले होता है वो तो आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ी देर में बिहार में एंटर करने वाले हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। बाहर वैसा देख लो काफी डार्क है, ज्यादा कुछ दिखा तो नहीं सकते अभी। तो देख लो एनजीपी से निकलते ही सबसे पहले हमें मिल चुका है ये पानी का बोतल, और ये 500 ml वाला बोतल है। ठीक है, छोटा जर्नी है तो छोटा बोतल। बाकी इसके बाद क्या क्या सर्विस मिलता है सब कुछ आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो देख लो पानी के बाद हमें मिल चुका है अभी न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के लिए ना इनके पास हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर का ऑप्शन था। हम लोगों ने ये दैनिक जागरण लिया है बस दिखाने के लिए, फिर दे देंगे अभी। देख लो अभी हम लोग किशनगंज पहुंचने वाले हैं, और ये आ चुका है अपना चाय। सुबह सुबह अराउंड कितने बजे, लगभग 6:20 में। ये जो ओट्स डाइजेस्टिव बिस्किट होता है ना, मेरे को कमाल का लगता है ये। इसके अलावा देख लो टी बैग है, मिल्क पाउडर है, स्पून है वो मिलाने के लिए। और ये देख लो धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं किशनगंज। हो चुका है हमारा बिहार में आगमन। ये है हमारा सबसे पहला स्टॉप किशनगंज। मैं बता दूं अपने इस शताब्दी एक्सप्रेस का किशनगंज में बस 2 मिनट का हॉल्ट है। सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं भाई। यही है अपना देख लो विस्टाडोम कोच। एग्जैक्ट 2 मिनट बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है किशनगंज रेलवे स्टेशन से। तो अगर जितने भी लोग किशनगंज से देखते हैं मेरा वीडियो, तो हाय हेलो आप सभी लोगों को। अपना जो नेक्स्ट स्टॉप है ना, वो है बरसोई जंक्शन। हाँ जी, तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बरसोई जंक्शन, और मैं बता दूं अपने शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ बस 1 मिनट का हॉल्ट है। ज्यादा घूमेंगे नहीं भाई, फटाफट जाते हैं अपने कोच में बैठते हैं, वहाँ पे लवली बैठी हुई है। चलो जी एग्जैक्ट 1 मिनट बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है बरसोई जंक्शन से। और एक बात मैं बता दूं, अभी एक कांड हो गया था, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ था। और ये जो गेट देख रहे हो ना भाई, अभी लॉक हो गया था, खुल ही नहीं रहा था। ये देखो अपने आप बंद हो रहा है, अपने आप खुल रहा है।
मतलब बस एक मिनट का हॉल्ट था। बरसोई स्टेशन में ना कोई किसी को छोड़ने के लिए आया था, उसे बाहर जाना था, वो निकल ही नहीं पा रहा था। वो ऐसे पुश कर रहे हैं, इसको हम लोग पुश कर रहे हैं। ये इमरजेंसी पुश बटन है, अगर ये ना काम करे तो इसको ऐसे घुमाने से हो जाता है काम। कोई काम नहीं कर रहा था भाई, वो बेचारा घबरा गया था, तो जैसा तैसा करके ढक्का देकर खोलना पड़ा इसको। भाई मेंटेनेंस एक बात बोलना पड़ेगा, एकदम जीरो है, जीरो। बाकी आप यहीं पे देख लो ना, आइडिया लगा लो, इससे आइडिया लगा लो अभी आप। बाकी वो जो बंदा अंदर में फंसा हुआ था ना, बिल्कुल पूरा घबरा गया था वो, उसको लगा क्योंकि एक मिनट का हॉल्ट है और यहाँ से निकलने के बाद अगला स्टॉप है इसका मालदा टाउन। वो भी बेचारा परेशान हो रहा था, तो ऐसे ऐसे जैसे तैसे करके गेट खुला और नीचे उतरा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो मैक्सिमम चीज टूटा हुआ है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। अभी टाइम वैसे देख लो 7:39 हो रहा है, लगभग 7:30 बज रहा है अभी, और हमारा ट्रेन अभी बरसोई जंक्शन से निकला है। वैसे ट्रेन अपना बरसोई पहुंचा था 15 मिनट डिले, और ये आ चुका है देख लो अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमेशा की तरह वही एक वेज और एक नॉन वेज का ऑप्शन था। बाकी दिखाते हैं आपको क्या क्या है। ये तो ब्रेड है, साथ ही वही क्रीमर, कॉर्नफ्लेक्स, और ये नॉन वेज वाला भी आ गया। नॉन वेज कहने का मतलब वही ऑमलेट वाला आ गया, और वेज में कटलेट आपको पता ही है। तो वही मैं बता रहा था, ये जैसे एक जैम है, केचप है, सॉल्ट एंड पेपर, ये काम का चीज है, एक बनाना भी है। और आपको दिखाते हैं कटलेट कैसा है अपना। कटलेट देखकर तो अच्छा लग रहा है। ओवरऑल देख लो यही है मेरा ब्रेकफास्ट। नॉन वेज में सब कुछ सेम रहता है, ये देख लो इधर रहेगा ऑमलेट, लेकिन ये ऑमलेट टेस्टी होता है, ट्राई करना कभी, बहुत अच्छा होता है। भाई ये देखो, जैसे ही हम लोगों ने इसको हटाया वहाँ भागा कॉकरेज, छोटा वाला कॉकरेज है देख लो। मतलब साफ सफाई मेंटेनेंस बोलकर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, साफ सफाई तो बीच बीच में कभी आके वो कर भी देंगे, लेकिन मेंटेनेंस में देख रहा हूँ ना, मतलब हर कुछ एकदम ढीला सा हो रखा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो गेट कर रहा है, कितने लोग फंस रहे हैं। हाँ एक चीज यूनिक है, मैं अभी जाकर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी लवली बनाई गई आज हमारा सैंडविच, तो यहाँ पे ब्रेड ले लिया हम लोगों ने, और ऊपर से ब्रेड फ्रेश है ना। वैसे हमें ब्राउन ब्रेड चाहिए था लेकिन वो है नहीं इनके पास, तो ये व्हाइट ब्रेड है लेकिन फ्रेश है एकदम। बाकी आज बनेगा ऑमलेट सैंडविच हमारा, तो आपको तो ये बात पता ही है, मोहित स्पेशल सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आपको बटर लगाना पड़ता है। बटर लगने के बाद अब जाएगा इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इतना काफी है अभी। अभी हमारे बीच में झगड़ा चल रहा था, किस लिए मैं उसको बोला केचप का पैकेट ऐसे फाड़ो ताकि कुछ लिख पाओ। क्या होता है ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फाड़ देते हैं ना, तो वो लिख नहीं पाते, वो कभी काफी ज्यादा ज्यादा केचप गिर जाता है। तो वही अभी देख लो, वो ट्रायल करके दिखा रही थी, तो बकवास करता है हमेशा, सोचता है चलो 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 चलो, ब्लैक पेपर के बाद जाएगा इसमें केचप। अब जाएगा इसमें ऑमलेट अपना, और ये जो फ्रेंच फ्राइज है ना भाई, देखो लग रहा है उसको फ्रिज में रखा हुआ था, और ये ऑमलेट देखकर ही काफी टेस्टी लग रहा है। वैसे अगर वेजीस अगर अच्छा रहता तो मैं वो भी डाल देता ऊपर से, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये तैयार हो गया बनकर मोहित स्पेशल ऑमलेट सैंडविच। आप भी अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो तो बनाना ऐसा, अगर आप ऑमलेट नहीं खाते हो तो ये सेम चीज आप कटलेट के साथ भी कर सकते हो। फिलहाल यही है देख लो ब्रेकफास्ट में, और ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। बाकी कटलेट मैं ट्राई कर लेता हूँ कैसा है। केचप के साथ अच्छा लगेगा, कटलेट वाकई में बहुत ही अच्छा है, लेकिन यही ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी नहीं है, नहीं तो और भी अच्छा लगता है। ये ओवरऑल अच्छा है, ये मैं बोलूंगा काफी बढ़िया है। तो लो भाई, ये देखते ही देखते हमारा ट्रेन अभी एंटर कर रहा है मालदा टाउन। वैसे तो बिफोर टाइम चल रहे हैं अभी हम लोग, होप कि बिफोर टाइम ही पहुंचे स्टेशन। और अभी अंदर अपने कोच में ना सीट को लेकर काफी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, एक्चुअली सीट रोटेट करने को लेकर लड़ाई हो रहा था। तो वो जो विंडो के साइड जो होता है ना, विंडो की तरफ फेस करके बैठने के लिए, तो दोनों आसपास वाले को वैसे ही बैठना था, लेकिन वो कोई एक ही जन बैठ सकता था, तो इसके लिए कि हम करेंगे तो हम करेंगे, अलग ही सीन था अंदर। तो फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है, सुलह हो गया, एक घंटा वो बैठेंगे, एक घंटा वो बैठेंगे। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मालदा टाउन, और अपना ट्रेन यहाँ पहुंचा है एक मिनट बिफोर। मालदा टाउन में अपने शताब्दी एक्सप्रेस का ना 5 मिनट का हॉल्ट है, तो वॉक करते हैं अभी अच्छे से। और यहाँ अपना कोच देख लो पूरा पैक होने वाला है, इसलिए इतना वेटिंग दिखा रहा था। चलो जी, 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है मालदा टाउन से। अभी एक काम करते हैं ना, ट्रेन का बैक साइड वाला लुक दिखाते हैं आपको। देख लो भाई, अभी मैं आ गया हूँ इनके एकदम बैक साइड में। मालदा टाउन से हमारी ट्रेन अभी निकल रही है। ये अच्छा फ्रेम है ना, टनल वगैरह के अंदर से जाएगा ना तो और मजा आएगा, लेकिन इस रूट में टनल ही नहीं है।
लेकिन यही है, ग्लास बिल्कुल भी साफ नहीं है, कहीं साइड साइड में देखकर मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब इसके बाद आएगा फरक्का ब्रिज, तब मैं आपको दिखाऊंगा। सामने की तरफ देखो आपको जनसाधारण एक्सप्रेस भी दिख रहा है, पता नहीं इसको ओपनिंग कब है, जब रहेगा तब जरूर इसमें ट्रैवल करेंगे। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे ट्रेन का ना स्पीड चेक कर लो, 109 110 के स्पीड से चले जा रहा है अभी, और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे फरक्का। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू फरक्का जंक्शन, और अभी आपने देखा फरक्का बैरेज, भाई साहब पानी का फ्लो आपने अगर नोटिस किया होगा तो काफी भयंकर पानी का फ्लो था, अलग ही था, मतलब डेंजर लगता है सब चीज देखकर। फिलहाल अपने शताब्दी का न्यू फरक्का जंक्शन में 2 मिनट का हॉल्ट है, चलो जाते हैं अंदर। फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है, देख लो न्यू फरक्का जंक्शन से। अब यहाँ से निकलते ही अपने ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वो है बोलपुर शांति निकेतन। ये देखो, चलो भाई इतने देर बाद कुछ तो आया, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। तो अभी देख लो सूप आ चुका है, सूप अभी शायद हमको लग रहा है पता नहीं बना हुआ सूप है या फिर पैकेट वाला, पैकेट वाला जब रहता है ना तो साथ में ही दे देते हैं पैकेट, तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो बना कर लाए सूप। साथ ही ये ब्रेड स्टिक, अमूल बटर, सॉल्ट एंड पेपर, सूप में एक ही ऑप्शन है इनके पास, टोमेटो सूप, वही लेकर आ जाओ। लो जी ये फाइनली अपना सूप आ चुका है, और मैं बता दूं ये सूप जो है ना पैकेट वाला ही सूप है, इन्होंने क्या है ना डायरेक्टली बनाकर हमें दिया है, मतलब वो होता है ना गर्म पन। ओ भाई साहब क्या झटका मारा ट्रेन देखे अभी, तो सूप सूप जैसा ही है, अब इसका अलग से क्या ही रिव्यू दो, पैकेट वाला ही सूप है। तो चलो इस सूप कम्प्लीट करते हैं, थोड़ी देर में आने वाला है बोलपुर शांति निकेतन, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो देख लो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोलपुर शांति निकेतन, और हमारी ट्रेन यहाँ पता है 2 मिनट बिफोर पहुंची है। चलो भाई ठीक है, ऐसे ही बिफोर चले, वैसे हमारा लंच भी यहीं से बोर्ड होगा मैं बता दूं। एक और बात है, यहाँ पे अपने शताब्दी एक्सप्रेस का ना बस 2 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ से निकलते ही बर्दवान फिर अपना हावड़ा जंक्शन। चलो जी एग्जैक्टली 2 मिनट बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है बोलपुर शांति निकेतन से। अभी एक चीज मैं दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट पूरा ट्रेन पैक हो चुका है अभी। ऑलराइट, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बर्दवान, और लवली ने ऑर्डर किया है, क्या क्या ऑर्डर किया है इसको, वो डोमिनोज का लवली को डोमिनोज का चिकन विंग एंड गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छा लगता है, तो वही ऑर्डर किया है। तो देख लो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बर्दवान जंक्शन, और यहाँ अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पे मैडम का आ चुका है गार्लिक ब्रेड एंड चिकन विंग विथ पेरी पेरी सॉस, हाँ ये उसका फेवरेट है भाई। बाकी चलो चलते हैं, वैसे तो झालमुड़ी खाने का मेरे को बहुत मन था, लेकिन झालमुड़ी ना इतना एंड तक नहीं आता है, बीच की तरफ रहते हैं, और नॉर्मल ट्रेन में तो चढ़ भी जाते हैं, इसमें तो सर चढ़ेंगे भी नहीं। वैसे बर्दवान से निकलते ही अपना घर हावड़ा जंक्शन, ज्यादा नहीं वैसे यहाँ से 1 घंटा और लगना चाहिए, देखते हैं और कितना टाइम लगता है, अभी टाइम देखो 12:30 बज रहा है, ट्रेन थोड़ा डिले हो गया, लेकिन कोई नहीं मेकअप कर लेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। हाँ जी, तो बर्दवान से निकलने के बाद पता नहीं क्यों अपना ट्रेन पिछले 10 मिनट से यहीं पे रुका हुआ है, क्या रीजन है मेरे को भी नहीं पता, यहीं पे देख लो कब से रुके हुए हम लोग, और अभी टाइम देख लो 12:55 हो रहा है। एक्चुअली लवली ऑर्डर कर ली थी ना डोमिनोज से,
तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बस एक ही थाली ऑर्डर किया। वैसे तो दो थाली था अपना, एक वेज एक नॉन वेज, लेकिन नॉन वेज वाले को मैंने मना कर दिया। तो ये देख लो वेज थाली आ चुका है जिसमें दाल है, ये कुछ आया है देख लो। मैं ये काम करता हूँ इसको ना हटाकर, इसका ढक्कन हटाकर दिखाता हूँ आपको। तो देख लो जी ये कुछ आया है अपने लंच में, राइस है, ये तो लग रहा है बटर पनीर कुछ ऐसा लग रहा है, राइस के साथ अच्छा लगेगा। दाल थोड़ा सा मतलब ओके ओके ऐसा लग रहा है, बाकी ये जो सूखी सब्जी है ना ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रोटी के साथ अच्छा लगेगा, साथ में दही तो है ही। बाकी चलो एक काम करते हैं, राइस और ये पनीर ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा है। पहले करते हैं अच्छे से मिक्स। असली जादू कर रहा है ये पनीर का सब्जी, राइस के साथ तो कमाल का लग रहा है, और ये पनीर के साथ ना पराठा भी बहुत ही अच्छा लगेगा। खाना तो नो डाउट इस ट्रेन का काफी अच्छा है, बाकी यही है अभी इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ी देर में अपना डेस्टिनेशन भी आ जाएगा, पता नहीं कब निकलेंगे हम लोग यहाँ से, जैसा होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। चलो जी अपना लंच हो गया कम्प्लीट, अभी मिल चुका है हमें ये क्रीम बेल का आइसक्रीम। और एक चीज कुछ नोटिस की इसमें, ये देख लो IRCTC का लोगो भी है इसमें, तो ये प्रॉपर टाई अप हो रहा है एकदम। ये फिनिश करते हैं फिर एक ही बार ये वीडियो को, अपने मेन डेस्टिनेशन में पहुंच के कंटिन्यू करते हैं। मम्मी का कॉल भी आ गया देखो। हाँ निकल गया। तो देख लो भैया सिकंदराबाद अगरतला और अपने शताब्दी में चल रहा है पैरेलल रेस। अभी वो ट्रेन आगे निकली है, मेरे को लग रहा है ओवरटेक करेगी अपनी ट्रेन। लो भाई फिर से ओवरटेक करने वाली अपनी ट्रेन। ओवरटेक किया भाई, वो भी 130 की स्पीड में ओवरटेक। लो भाई ओवरटेक करते ही एक बार वापस से अपनी ट्रेन अभी धीरे हो गई है, पता नहीं क्यों। फाइनली हमारा ट्रेन अभी हावड़ा एंटर कर चुका है, और मैं बता दूं हमारा ट्रेन यहाँ आया है ऑलमोस्ट 35 मिनट डिले। तो चलो एक काम करते हैं निकलते हैं, भीड़ काफी ज्यादा लग गया है, सामान भी अपना बाहर की तरफ है ना तो हमें भी निकलना होगा। फाइनली हम लोग हावड़ा तो पहुंच गए। जर्नी आपने देखा काफी सिंपल सा जर्नी था, मैं तो सोचा था चलो विस्टाडा में तो थोड़ा अलग ही टाइप का कुछ मिलेगा, यही है ना कि मेंटेनेंस जीरो था इसलिए मजा नहीं आया। मेंटेनेंस और अच्छा हो सकता था, बाकी खाना पीना मैं बोलूंगा बढ़िया था नो डाउट। हाँ जी तो अभी जस्ट मैं घर आया और घर आके मैं फ्रेश हो गया हूँ, और यहाँ पे देख लो अपना पैकिंग वगैरह का सारा काम चल रहा है। मैं बोला ना जैसे मैं घर आऊंगा फिर अपना निकलने का तैयारी हो जाएगा कश्मीर का, वो आप लोग नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देख लेना, फिलहाल ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। और मम्मी एक्साइटेड कश्मीर के लिए, इसका इंतजार बहुत दिन, मम्मी को बहुत दिनों से था मन कश्मीर जाने का, तो फाइनली अभी मौका मिला है, देखते हैं कैसा क्या रहता है वहाँ का माहौल, वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ तक वीडियो देख लो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। ओवरऑल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस का बात करूँ ना तो मैं बोलूंगा चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास ज्यादा बेटर है, बस यही बात था। तो चलो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।